हे गाइज वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन इन सॉल्यूशन के बारे में जो कि स्टोक्योमेट्रिक कैल्कुलेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है तो इसमें हम फोर टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि है मास परसेंट मोल फ्रैक्शन मोलारिटी एंड मोलैलिटी तो चलिए शुरू करते हैं इसके फर्स्ट टर्म से जो कि है मास परसेंट या फिर इसे हम वेट परसेंट भी बोल सकते हैं तो अब जो इसकी डेफिनेशन होगी वो होगी मास परसेंट इज द ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट पर ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड यानी कि अगर हमें किसी भी सॉल्यूट का उसके सॉल्यूशन में मास परसेंट निकालना है तो हमें उसके सॉल्यूट के मास को उसके सॉल्यूशन के मास से डिवाइड कर देना होगा और फिर उस इक्वेशन को हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देना होगा और फिर जो आंसर आएगा वही होगा उस सॉल्यूट का उस सॉल्यूशन में मास परसेंट तो अब इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन भी देख लेते हैं सो द क्वेश्चन इज अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग टू ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस ए टू एटीन ग्राम्स ऑफ वाटर सो कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट यानी कि 2 ग्राम सब्सटेंस ए को हम 18 ग्राम वाटर में ऐड करके एक सॉल्यूशन बनाते हैं तो इसमें हमें कैलकुलेट ये करना है कि जो सॉल्यूट है उसका उस सॉल्यूशन में मास परसेंट क्या होगा तो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया मास परसेंट का फॉर्मूला जो कि है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय बाई सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 तो यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो है सब्सटेंस ए तो यहाँ पर हम लिखेंगे मास परसेंट ऑफ ए इक्वल टू मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड तो अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए का मैस जो कि है टू ग्राम्स और जो पूरे सॉल्यूशन का मैस है वो है टू ग्राम्स ऑफ ए प्लस एटीन ग्राम्स ऑफ वाटर यानी कि ट्वेंटी ग्राम्स और फिर इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे हम हंड्रेड से फिर इसे सॉल्व करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो होगा टेन परसेंट और यही हो जाएगा इस सबस्टेंस ए का उस सॉल्यूशन में मैस परसेंट और अगर हम इसके सोल्यूट और सॉल्वेंट को रेशियो में लिखें तो ये हो जाएगा नाइनटी रेशियो टेन यानी कि नाइन रेशियो वन समझे बात को तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टर्म पे जो कि है मोल फ्रैक्शन तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी इट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन यानी कि जो अभी हमने मैथ परसेंट पढ़ा ये बिल्कुल उसी जैसा है बस इसमें एक चेंज यही है कि इसमें मैथ के जगह मोल्स हैं यानी कि मैथ परसेंट में हमें मैथ गिवन रहता था और उसी के बेसिस पे हमें उसका रेशियो या फिर परसेंटेज फाइंड आउट करना था बट इस मोल फ्रैक्शन में हमें मोल्स के बेसिस पे उनका रेशियो फाइंड आउट करना होता है समझे बात को तो अब इससे रिलेटेड भी एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं सो द क्वेश्चन इज इफ अ सब्सटेंस ए डिजॉल्व इन सब्सटेंस बी एंड देयर नंबर ऑफ मोल्स आर एन ए एंड एन बी देन व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा और आप इसे देख सकते हैं और अच्छे से समझ भी सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इजी है और इसे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टर्म पे जो कि है मोलारिटी तो अब इसकी भी जो डेफिनेशन होगी वो होगी मोलारिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इन वन लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन के वन लीटर में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे उसी को हम मोलारिटी कहते हैं तो अब इसके डेफिनेशन के ही बेसिस पे इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा मोलरिटी टू नंबर ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इसलिए कि आप इसी फॉर्मूला के बेसिस पे सारे मोलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बना सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया हो समझे बात को तो अब जो हमारा नेक्स्ट टर्म है और इस चैप्टर का सबसे लास्ट टर्म भी है, वो है मोलैलिटी तो इसका जो डेफिनेशन होगा वो होगा मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन के जी ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि वन के जी ऑफ सॉल्वेंट में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे उसे ही हम मोलैलिटी कहेंगे अब यहाँ पर मोलारिटी और मोलालिटी में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बस इन दोनों में इतना ही डिफरेंस है कि मोलारिटी में हम पर लीटर के मोल्स फाइंड आउट करते हैं और मोलालिटी में हम पर केजी के मोल्स फाइंड आउट करते हैं और इसके अलावा इन दोनों में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है समझ में आई बात तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मास परसेंट मोल फ्रैक्शन मोलारिटी और मोलालिटी हम किसे कहते हैं तो यहाँ पर केमिस्ट्री का हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ये फाइनली ख़त्म हो चुका है और अगर आपको इस होल चैप्टर की एक समरी वीडियो भी चाहिए जिसमें मैं पूरे चैप्टर को समराइज़ करके रिवाइज करवा दूंगा तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए ये लिख के कि वी वांट समरी वीडियो और अगर ये कमेंट ज़्यादा मात्रा में आते हैं तो मैं इस चैप्टर से रिलेटेड एक समरी वीडियो भी बना दूंगा तो अब चलिए यहीं पर वीडियो को ख़त्म करते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और इस चैप्टर से रिलेटेड आपको बाकी वीडियोज़ आई बटन में मिल जाएंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय